हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने 4 मीटर का ब्रोकेट फैब्रिक लिया है, 3 मीटर का सिल्क इनर फैब्रिक लिया है। तो पहले मेन फैब्रिक पर कलियों की कटिंग करना बताएंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। एक साथ में हम 2 कलियों की कटिंग कर लेंगे। तो पहले लहंगे की लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे लहंगे की रेडी लेंथ है 40 इंच, उसमें से 2 इंच के अलग से बेल्ट लगाएंगे तो 40 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 38 इंच बचेगा। प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए तो 39 इंच पर लहंगे की लेंथ की मार्किंग करेंगे, यानी कि कलियों की लेंथ 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर टेप रखेंगे और कली की लेंथ 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 39 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम साइड से कली की विड्थ 11 इंच ले लेंगे। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। दूसरी साइड भी 11 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कली की ऊपर से विड्थ की मार्किंग कर लेंगे। जैसे 11 इंच कली की बॉटम साइड से विड्थ है तो उसके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और कली की जो ऊपर साइड से विड्थ रखेंगे, जैसे वेस्ट साइज है 32 इंच और 12 कलियों का लहंगा बनाएंगे, 32 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आएगा। प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए तो 3.6 इंच आएगा। जो 5.5 इंच पर मार्किंग करी थी उसके दोनों साइड 1.25 इंच उधर और 1.25 इंच इधर मार्किंग कर लेंगे, यानी टोटल 3.6 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब ऊपर वाले दोनों पॉइंटों को नीचे वाले पॉइंटों से यहाँ पर टेप रखेंगे और नीचे वाले पॉइंट तक मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब दूसरी मार्किंग से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो एक साथ हमने 2 कलियों की कटिंग कर ली है। अब इन कलियों को दूसरी साइड से टर्न करेंगे इस तरीके से और फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको पिनअप कर ले, उसके बाद इसकी मार्किंग कर ले ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हिले। एक साइड कलियों के फैब्रिक को फैब्रिक से मिला दिया है और दूसरी साइड से पहले वाली कलियों के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब कलियों को हटा देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। फिर से 2 कलियों की कटिंग कर ली है। फिर से कलियों को टर्न करेंगे और फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेंगे। अब दूसरे साइड दूसरे वाली कलियों को रखेंगे तो आप देख सकते हैं 12 कलियों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से आप कितनी कलियों की कटिंग कर सकते हैं। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। जैसे कमर है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर कमर की मार्किंग करेंगे। अब कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 8 इंच पर राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब इनर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर की लेंथ 37 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि कलियों की लेंथ 39 इंच ले ही थी तो इनर की लेंथ 2 इंच कम ले लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 37 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनर के फैब्रिक पर दोनों साइड मार्किंग करके कटिंग कर ली है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और बॉटम साइड में जॉइंट लगेगा। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था। लहंगे के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के इनर की कटिंग कर ली है। अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड और दूसरी साइड ओपन साइड है। विड्थ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। बेल्ट की विड्थ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे
और लेंथ 32 इंच ले लेंगे। और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि बेल्ट का फैब्रिक कम ना बचे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद 19 इंच फैब्रिक ले लिया है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करके दिखाएंगे। अब इनर फैब्रिक पर बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक वाले बेल्ट क्या अब मेन फैब्रिक वाले बेल्ट इसके ऊपर मेन फैब्रिक वाले बेल्ट मेन फैब्रिक वाले बेल्ट को रखेंगे। इसके साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। बेल्ट के इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक के ऊपर इनर फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। इसके दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। अब दो दो कलियों को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रख दिया है। इन कलियों के एक साइड सिलाई लगा लेंगे। दो कलियों को जोड़ लिया है और दूसरी दो कलियों को भी जोड़ लिया है। अब दोनों कलियों को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके एक साइड सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 कलियों को जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर बची हुई 2 कलियों को भी जोड़ लेंगे। 2 कलियों को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 कलियों को जोड़ के रेडी कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट के में भी 6 कलियों को जोड़ करके रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर इनर अटैच कर लेंगे। कलियों वाले पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। इसके ऊपर इनर फैब्रिक को रख लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। लहंगे के ऊपर इनर को अटैच कर लिया है। लहंगे के दूसरे पार्ट में भी इनर को अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। यहाँ तक चारों फैब्रिक को एक साथ सिलाई लगा देंगे 4 से 5 इंच तक। उसके बाद इनर फैब्रिक के ऊपर अलग से सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक पर अलग से सिलाई लगा के लहंगे के दोनों पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे और राइट साइड से रख लेंगे। लहंगे को राइट साइड से रख लिया है। बेल्ट के ऊपर इनर अटैच कर लिया है। बेल्ट को लहंगे के ऊपर उल्टी साइड से फेस करते हुए रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लहंगे के ऊपर बेल्ट को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब जीप अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट पर 2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और नीचे तक 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड भी 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम मार्किंग इसके दूसरे साइड कर लेंगे। पहले 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड भी 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम मार्किंग लहंगे के उल्टी साइड भी कर सकते हैं हम। और जो मार्किंग करी है उससे नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग लहंगे के उल्टी साइड भी कर ली है। यहाँ तक चारों फैब्रिक को जोड़ लेंगे। यहाँ तक चारों फैब्रिक को इकट्ठे जोड़ेंगे। जहाँ पर जो मार्किंग कर रखी थी वहाँ से फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड भी 1 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जीप अटैच करने वाले एरिया में सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब इसमें जीप अटैच कर लेंगे। मैंने सेम कलर की हिडन जीप ले ली है। जीप को पहले ओपन करेंगे। लहंगे को राइट साइड से रखेंगे और इस तरीके से जीप को रख लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाते जाएंगे और फिर सिलाई को टर्न करेंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ तक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। लहंगे के ऊपर हिडन जीप को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब लहंगे की बेल्ट को फोल्ड करेंगे। बेल्ट के ऊपर 2 इंच पर मार्किंग कर ली है। जीप को ओपन करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लगा रखी है उसको अंदर की तरफ ले लेंगे। बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लहंगे पर बेल्ट को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब लहंगे को साइड से स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच करेंगे और इनर फैब्रिक को अलग से स्टिच कर लेंगे। लहंगे के ऊपर दोनों साइड फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब लहंगे के इनर को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे।
पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे। चारों साइड से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। लहंगे के इनर को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब लहंगे के मेन फैब्रिक के ऊपर स्ट्रिप अटैच करके फोल्ड कर लेंगे। मैंने ये स्ट्रेट स्ट्रिप ले ली है और इसकी विड्थ 5 इंच है। इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। सारे स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। लहंगे को राइट साइड से रख लिया है। इसके ऊपर स्ट्रिप को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लहंगे के ऊपर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। चारों साइड से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे स्ट्रिप को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रिप को उल्टी साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और फाइनली कलीदार लहंगा बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की और कितनी भी कलियों की कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।